आज हम हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के साथ में और आज हम इसकी लो लाइट वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट हमको मिलता है लो लाइट में या नाइट मोड ऑन करके, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक अल्ट्रा वाइड शॉट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमको मिलता है। तो जब आप लाइव फ़ोटो देख रहे हैं तब उसमें थोड़ा सा डिटेल्स कम आ रही हैं, बट आफ्टर प्रोसेसिंग डिटेल जो है इनफ है और यूज़ेबल डिटेल है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम जो है 1x पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि 1x पे क्या आउटपुट हमको मिलता है। तो ये रहा हमारा 1x, और 1x की बात करें तो 1x पे जो डिटेल्स हैं वो अल्ट्रा वाइड से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और अब हम इसका एक 3x ऑप्टिकल जूम पे टेस्ट करते हैं और 3x ऑप्टिकल जूम जो है ये रहा, और देखते हैं, हाँ, तो जो मेन सेंसर उससे थोड़ी सी डिटेल्स कम हो जाती हैं, बट बहुत ही क्लियर और बहुत ही शार्प एजेस के साथ में ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट है इसका 10x ऑप्टिकल जूम। तो 10x ऑप्टिकल जूम पे जो है ये कुछ आपके सामने आउटपुट है। तो एक फ़ोटो हम क्लिक करते हैं और तो डिटेल्स आप कह सकते हैं कि मिसिंग है, डिटेल्स मिसिंग है इसमें, बट हाँ बाकियों से कंपेयर करें तो डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, हम अब सीधा 100x पे चलते हैं और ये रहा 60x, ये हमारा कंप्लीट 100x है। और एक बार हम शॉट क्लियर करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, स्टेबल बहुत ज़्यादा है S22 अल्ट्रा की अपेक्षा, इसमें स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है और 100x पे बहुत ही ज़्यादा हिलता था S22 अल्ट्रा, बट इसमें नहीं ऐसा है। और हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि लाइव फ़ोटो देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ब्लर उसमें आ रहा है, लेकिन जब हमने फ़ोटो क्लिक की और आफ्टर प्रोसेसिंग ये आपके सामने फ़ोटो है। तो हाँ, इसको 100x पे भी बहुत रेयर केस में आप इस फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कहीं जूम करके कुछ देखना है। तो ये चीज़ रही। अब हम आते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड पे। तो पोर्ट्रेट मोड को हम टेस्ट करने के लिए, पोर्ट्रेट मोड पे लाइट आप देखेंगे कि थोड़ी सी कम हो रही है, और एक पोर्ट्रेट मोड पे हम फोटो क्लिक करते हैं, ये रही, और हम देखते हैं कि इसमें एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आई है लो लाइट में। एक बार हम और एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, और ये उन्होंने कुछ फिल्टर लगाया हुआ है, हम इसको नॉर्मल पे करते हैं और देखते हैं। तो ये ग्रुप में पोर्ट्रेट क्लिक कर लेता है आसानी से, और इसके बाद इसका एज डिटेक्शन देखते हैं, बहुत ही शार्प है और बहुत ही क्लियर फोटोज़ आई हैं। तो हाँ, इसका पोर्ट्रेट मोड अच्छा है। अब हम इसका पोर्ट्रेट मोड 3x पे टेस्ट करते हैं, और ये रहा इसका 3x जूम, और ये हमने फ़ोटो क्लिक करी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब फ़ोटोज़ हैं। तो हाँ, ये प्रीमियम डिवाइस जैसी फ़ोटोज इसमें आ रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके वीडियो पे। तो वीडियोस में अगर हम चेक करें तो इसमें जो है 8K 30fps तक रिकॉर्ड कर लेता है। लास्ट टाइम S22 अल्ट्रा में 8K 24fps था, तो इसमें फ्रेम पर सेकंड बढ़ाया गया है। और देखिए आप FHD 30, FHD 60, तो हम इसको एक बार USD यानी कि 4K 60fps में शूट करते हैं और देखते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये हमने देखिए, फ़ोन हम शेक कर रहे हैं बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और जब कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये थोड़ा सा शेक करता है, और जैसे ही ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट को पकड़ता है इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाती है और ये लॉक कर देता है फोकस को। तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत ही अच्छी है। इसके बाद इसमें जो है देखते हैं कि जूम कितना अवेलेबल है। तो वीडियो में 3x जूम, ऑप्टिकल जूम भी अवेलेबल है हमारे पास, और उसकी हम एक बार स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 10x में भी थोड़ा सा फोकस जो है वो स्टेबिलिटी मिस करता है, तो ये चीज़ है। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमन ऑब्जेक्ट के आसपास आएंगे, नहीं, हाँ, यहाँ पे फोकस की थोड़ी सी समस्या हो रही है। और इसमें मैक्सिमम जूम है वो आपका 20x तक ही फ़ोटोज़ में मिलता है, सॉरी वीडियोज़ में मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, और वीडियो एक बार हम बना के देखते हैं, क्योंकि लाइव जो है वो थोड़ी सी फ़ोटो ब्लरी है, और आफ्टर प्रोसेसिंग हम देखते हैं कि वीडियो से आ रहे हैं इसमें। तो हाँ, डिटेल्स मिसिंग है, बट ये है कि आप इसे फीचर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार नाइट मोड में जाते हैं इसे और फिर देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बट हम इस बार इसका नाइट मोड टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हम नाइट मोड पर शिफ्ट किए, और एक फ़ोटो जो है हम ज़रा अल्ट्रा वाइड पर क्लिक करते हैं। तो हाँ, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, और इतनी लाइट एक्चुअल में यहाँ पे है नहीं जितनी ये लाइट इसने जो है शो करी है, क्योंकि लाइव आपके सामने है, ये है लाइट और ये है फ़ोटो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके 1x पे,
तो नॉर्मली देख रहे होंगे लाइट बहुत कम है, लेकिन जैसे ही इसने ह्यूमन ऑब्जेक्ट को पाया और थोड़ा सा फोटोज को ब्राइट किया और हम क्लिक करते हैं, हाँ तो गजब की शार्प एजेस के साथ डिटेल्स आ रही हैं। तो अब हम जाते हैं 3x पे, 3x पे भी नाइट मोड इसमें अवेलेबल है और थोड़ा सा फोटो जो है सेंसर के इशू आया है। तो 3x पे कुछ अब क्या है, ये टेक्निकल फॉल्ट आ रही है। रत्नेश भाई जरा इधर देखो, हाँ अब सही है। तो हाँ डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा इनफ है, नाइट मोड पे भी फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है और इतनी लाइट इसमें प्रैक्टिकली यहाँ पे है नहीं, ये आपके सामने। तो लो लाइट फोटोज तो इसमें बहुत ही अच्छी आ रही हैं। अब हम एक बार 10x पे लो लाइट फोटो क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो हाँ ठीक है, अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें एजेस और शार्पनेस बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल था इसका S23 अल्ट्रा का एक आप कह सकते हैं कैमरा रिव्यू। और हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।